अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार गणपति बाप्पा मोरया। संस्था सिद्धि विनायक इस वर्ष 13वें गरिमा में महोत्सव को और अधिक भव्यता के साथ मनाने जा रही है। इस 11 दिवसीय आयोजन में श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 18 सितंबर हरतालिका तीज। महोत्सव की शुरुआत होगी दिनांक 18 सितंबर को हरतालिका तीज के आयोजन से, जिसमें संपूर्ण शहर की एवं आसपास के क्षेत्रों की हजारों महिलाएं रात्रि जागरण कर नृत्य और भजनों के साथ भगवान शिव एवं माता पार्वती की आराधना करेंगी। माता बहनों के लिए आयोजित इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक द्वारिका मंत्री जी के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति के साथ ही प्रश्नोत्तरी व आकर्षक उपहारों का वितरण भी किया जाएगा। दिनांक 19 सितंबर को श्री की स्थापना। गणपति बाप्पा मोरया। घुंघरू नृत्य एकेडमी के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा श्री गणेश जी की आराधना। दिनांक 20 सितंबर शहर के विभिन्न प्रतिभाशाली डांस ग्रुपों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां। दिनांक 21 सितंबर मध्य प्रदेश का गौरव बारे लाल म्यूजिकल ग्रुप ब्रास बैंड नरसिंगर की शानदार प्रस्तुति। कवि सम्मेलनों की देवास की ऐतिहासिक परंपरा रही है, इसी कड़ी में दिनांक 22 सितंबर को एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रख्यात कविगण उपस्थित रहेंगे। दिनांक 23 सितंबर को मालवा की माटी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कबीरपंथी भजनों के माध्यम से पहचान दिलाने वाले पद्मश्री श्री प्रहलाद जी टिपानिया का भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 24 सितंबर को भावपूर्ण भजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हमारे अपने शहर के भजन गायक श्री जितेंद्र पटेल जी की भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 25 सितंबर को श्री अनूप जैन जी द्वारा भगवान खाटू श्याम जी की भजन संध्या के साथ पवित्र ज्योत एवं 1156 भोग का आयोजन होगा। साथ ही श्री डांस एवं इवेंट के कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण रास एवं प्रसिद्ध कालका नृत्य की प्रस्तुति भी होगी। दिनांक 26 सितंबर दी आकांक्षा शेट्टी शो। प्रसिद्ध संगीतकार नीतेश शेट्टी और प्रख्यात गायिका आकांक्षा जाचक शेट्टी द्वारा अपने बैंड ग्रुप के साथ शानदार प्रस्तुति। दिनांक 27 सितंबर सुंदरकांड पाठ। प्रख्यात भजन गायक श्री लखन महाराज पिगड़म्बर वाले के श्रीमुख से। दिनांक 28 सितंबर अगले वर्ष पुनः आगमन के आमंत्रण सहित भावभीनी विदाई एवं श्री का विसर्जन। गणपति बाप्पा मोरया।